हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल बायोटॉक। तो आज भिडियो आम जो 1000 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज आम चलता तार सिक्वेंस नंबर 6 भिडियो आम कंटिन्यू करवा जोटा कि आपर कनसेप्ट आउ बेटर एनालाइज करेंगे लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो मेमोरी चेक करेंगे आप जहाँ पढ़ुंत ठीक भाव मन रखिपारे कि नहीं आप्लाय करेंगे कि नहीं यहाँ ये सीरीजा ये हेल्प रोक आउ प्राक्ट रोक आउ आम एमसीक्यू सीरीज जो चलती से एमसीक्यू सीरीज सहित आम एक्सप्लेनेशन दौरान तो से एक्सप्लेनेशन बहुत किसी कनसेप्ट कहूँ तो सर निहाती भाव में जो मैंने पढ़ी से मैंने करूँ जो न पढ़ी हल्का फुल्का भी पढ़ी तो सीटा एक्सप्लेनेशन निहाती देखो कितने एक्सप्लेनेशन देखा पूर्व फास्ट आगे निजे ट्राए करूँ क्वेश्चन जो आप एपेयर होते क्वेश्चन एपेयर हो पोज करूँ पोज कर देखा क्वेश्चन ट्राए करूँ जो ना फोन एक्सप्लेनेशन फोन कर देख तो ऑलरेडी आम सेल बायोलॉजी उपरे किसी क्वेश्चन करते मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स इकोलॉजी है आज किसी आम इकोलॉजी क्वेश्चन किसी करा आउ बायोकेमिस्ट्री किसी किसी क्वेश्चन करा बायोटेक्नोलॉजी गोटे दिन मतलब क्वेश्चन अनुसार सिलेक्स को करा तो यही सीरीजा जो चलते सब एंट्रेंस प्रपोजेस बनाऊँ जो कि सब जी बायोलॉजिकल एंट्रेंस अच्छे सब गुड़ा एगुड़ा सब हेल्प रहा तो चलो वीडियो को स्टार्ट करा आम देखिए फास्ट क्वेश्चन जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी तो एनिमल बॉडी मानी कार्बोहाइड्रेट कौ भाई आकार स्टोर कर रखे तो मैंने जानो एनिमल बॉडी में कौ भाई आकार स्टोर कर रखा जाए ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन आकार स्टोर कर रखा जाए कि देखिए प्लांट मान कौ भाई आकार स्टोर कर रखा जाए तो जान स्टार्च आकार स्टोर कर रखा जाए कौ आकार रखा जाए स्टार्च आकार तो जिन तुम अलरेडी जाने थो तो यार आंसर होता कौन ग्लाइकोजन होगा। नेक्स्ट आम देखिए हुई तो फॉलोइंग दि सिंपल प्रोटीन कौटा जो कम्प्लेक्स किसी ता सहित तैयारी था किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नथियो कि लिपिड रो किसी मॉलिक्यूल नथियो तो से कौटा बोली देखिए तो सिंपल प्रोटीन कहते हैं क्रोमो प्रोटीन यहाँ किसी अलग कंपोनेंट रोचे न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड किसी पार्ट रोज मिक्रो प्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट रोच ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि प्योर एमिनो एसिड को लेकिन तैयारी होती तो ग्लोबुलिन प्रोटीन हो कौन जो कि सिंपल प्रोटीन आंसर हो डी। नेक्स्ट देखिए माल्टोरिज फॉर्म माल्टोरिज है ग्लुकोज ग्लुकोज मॉलिक्यूल को लेकिन तैयारी होता है ग्लुकोज ग्लुकोज मॉलिक्यूल को तैयारी होता है तो ये कौन कहा जाए ना माल्टोज ग्लुकोज ग्लुकोज तो आंसर हो ए तो यही सब जो क्वेश्चन अच्छे जो जितनी सब ऑलिगोसैकेराइड अच्छी डाइसैकेराइड जो फॉर्मेशन होती सब डाइसैकेराइड जो क्वेश्चन आसे मन रखे तार जो डाइसैकेराइड कौ कौ यूनिट को तैयारी होती है ऑलरेडी मुझे ग्रुप में छाड़ी थी कौ कौ यूनिट यूनिट जो भाई ये धर आसा कि ग्लुकोज ग्लुकोज मॉलिक्यूल को तैयारी से ग्लुकोज और फ्रुक्टोज को लेकिन कौन तैयारी होती फ्रुक्टोज ग्लाक्टोज को तैयारी होती है आउ ग्लुकोज और ग्लाक्टोज को लेकिन कौन तैयारी होती ये सब जिन बहुत क्वेश्चन आसे कार्बोहाइड्रेट रू ये मेनली क्वेश्चन आसे आर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती बीटा 1,4 फॉर्मेशन हो कि बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो ये बॉन्ड गुड़ा तुम्हें निहत भाव में मन रखार अच्छी तो सीटा को मुझे नेक्स्ट वीडियो में गोटे कार्बोहाइड्रेट रिविजन क्लास आने तो जोटे कि सब युवा पर डिस्कसन करदे तो आप मन रखे तो ये जेहतु क्वेश्चन पचार माल्टोज कौ कौ यूनिट को तैयारी तो आंसर है ग्लुकोज ग्लुकोज तो आंसर हो है तो कितु ये जिन सिमिलर टाइप क्वेश्चन बहुत पड़े एक्जाम तो निहत भाव में पढ़ी एक्जाम जीवन तो सुगर फाउंड इन फ्रूट हनी एंड नेक्टर फ्रूट हनी नेक्टर हनी रे कौट मेनली सुगर टा देखा जाए मेनली फ्रुक्टोज देखा जाए तुम्हें जानते हो इकोनोमी जिनोलोजी जुलोजी जो मैंने पढ़ी थोड़ा सीटा जानते हो तुम्हें जो फ्रुक्टोज कंपोनेंट हनी कंपोनेंट हूँ फ्रुक्टोज है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड तुम्हें फैटी एसिड देखते हो फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चरटा गोटे थे जोटा किना थाए बंका किना था डबल बोन थाए से अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को लेना तेरे होता है सचुरेटेड फैटी एसिड मेन स्टेट थे तो डबल बोन थी हेतु से है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कौन होता है डबल बोन थाए तो आंसर हो आउ हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं लो मेल्टिंग पॉइंट थाए है ये सब देख नेक्स्ट हूँ कौन एन एसिडिक एमिनो एसिड तो गोटे एन एसिडिक एमिनो एसिड हो जाए अल्काइल आर मैंने तुम जान एमिनो एसिड स्ट्रक्चर है कौन तुम्हें जानते जमी स्ट्रक्चरटा हो एन एस टू ग्रुप गोटे रोचे एमिनो ग्रुप गोटेपर अल्फा कार्बन सीओ ग्रुप रहा एच जो रोचे नॉर्मल एमती बेसिक नॉन एलिजिबल स्टेट जो क्या कहु तो ये रहा गोटे आर रोचे आ गए गोटे एच रोच तो सी आर टा जो सीओ गोटे ग्रुप लगुच्छे आम एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं अल्काइल केत एसिडिक कहते हैं जो सीओ एच ग्रुप लगे थोड़ा तो यहाँ होगी सीओ एच ग्रुपटा तो जान कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो लगुच्छे तो आम एसिडिक एमिनो एसिड कहवा जो एन एस टू ग्रुप लगी थोड़ा तेल कौन कह एम आई डी कहुव है एम आई डी कहटा को बेसिक बोली कहा बुझेल तरह नेक्स्ट आम देखिए क्वेश्चन क्विच द फॉलोइंग
नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेंटल सुगर। तो यहाँ भितर पेंटल सुगर कौटा तुम्हें ऑलरेडी जान से पेंटल सुगर रहा कौन 5 नंबर कार्बन थाए तो तुम्हें डीएनए हो कि आरएनए हो तुम्हें राइबोज बोली सुगर तुम पढ़ते हो तो राइबोज सुगर था कौन राइबोलोज जोड़ के पेंटल सुगर देखा तेरी थे 5टा कार्बन तेरी थे ग्लुकोज तुम्हें जान छोटा ग्लुकोज रिटरनेस फॉर्म है फ्रुक्टोज आ गैलेक्टोज जोड़ा सब एक्सेस फॉर्मूला रोच द बेसिक एमिनो एसिड्स एमंग द फॉलोइंग इज एम बेसिक एमिनो एसिड कोड होछि जोड़े कि हमर कोन बेसिक ग्रुप लागि थियो तो मेनली मन रखियो एठी शॉर्ट कोड मन रखियो एचआरके हैला एचआरके होछि एउटा ला कोन बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड मन रखियो पॉजिटिव आयन थाय मध्ये बेले बेले मध्ये पॉजिटिव आयन थे वाला पॉजिटिव अनचार्ज शो करता वाला आ जदि एमिनो एसिड मध्ये पचाती तो मन रखियो ऋतिक जो ऋतिक रसन नै कि तो सर शॉर्ट रे एचआरके बोले मन रखि दबो सेटा बेसिक एमिनो एसिड। हिस्टिडाइन आर आर्जिनाइन आउ के रोचे लाइसिन है एच रे हिस्टिडाइन हिस्टिडाइन आर रे होचे आर्जिनाइन आउ के रोचे लाइसिन एगुडा होचे 3टा एमिनो एसिड जो कि आम बेसिक एमिनो एसिड आउ एगुडा पॉजिटिव आयन मध्ये धारण करोती आउ हले एसिडिक हला एसिडिक एमिनो एसिड जते मा देखे एसिडिक होचे मन रखो दे दे एच आर के को मागु जान ओड किछ तो दे एच आर के मागु एसिडिक होचे कोन डी रे होचे आस्पार्टिक एसिड एटा होचे ग्लूटामिक एसिड तो एगुडा को होचे कोन 3टा एमिनो एसिड तो सेगुड़ा सब मन कर सर्ट कर हुई चो द फलोई आर एमिनो एसिड उपर मध्ये हम आनिबी गोटे नेक्स्ट भिडियो मध्ये हम आनिबी तो एमिनो एसिड कार्बोहाइड्रेट एगुड़ा किसी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़े देबा जोटा कि सर्ट कोड रे जोटा कि इंपोर्टेंट इनफर्मेशन रहइबो एग्जाम पे। हुई चो द फलोई आर एस कंटेनिंग एमिनो एसिड एस कंटेनिंग एसिड एमिनो एसिड मन को सी एम मन को हमर जो सी एम छथि एस टी सी एम हला जो कास्ट फर्स्ट कथा मान जनरली मन रखे तो किंबा आउ किसी मन मन रखिपर एस सी एम बोली किसी मन रखना किसी भी कोड बन कि मोर मन रखी एमती तो सी एम होती एस टी रो तो सिक्सटीन सी हूँ सिक्सटीन एम रोज मिथ्या एमती किसी भी मन रखे सेमती किसी कास्ट का किसी डिस्टिंगसन करना खाली एमती नर्माली ही मन रखा भावे तो सी रे हूँ सिक्सटीन तो सिक्सटीन टा गोटे हूँ कौन जोटी की एस कंटेनिंग थाए एस कंटेनिंग कहना सल्फर कंटेनिंग थाए आ गोटे मिथ्यान सीटा जोटा मन करो एस सल्फर कंटेनिंग थाए तापर नेक्स्ट आम देखा सी एन एच टू वन जो अच्छे जेनराल फर्मूला कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जेनराल फर्मूला तुम्हें अलरेडी जानते हो सी एन एच टू एन हो कार्बोहाइड्रेट कौटा कार्बोहाइड्रेट ये डी नंबर हूँ आंसर। नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन द प्रोटीन व्हिच एक्जिस्ट इन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तो कौटा एम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर था कौन जान ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कौन ना हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो अच्छे से प्रोटीन टा हूँ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ये आंसर है हीमोग्लोबिन टा हूँ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर थाए। नेक्स्ट आम देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर एंजाइम्स इज इनवॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल सेल साइकिल को एंजाइमटा इनवॉल्व है एंजाइम तुम जान सीडीके सीडीके और साइक्लिन एगुड़ा ही मेनली रेगुलेशन करती साइक्लिन टाक रेगुलेशन किए कर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो काइनेज मान तो जान ए सी लगे तुम जान एंजाइम कथ पाँच तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज तो जो काइनेज एंजाइम पेगुड़ा एंजाइम गुड़ा जोड़े कि साइक्लिन डिपेंडेंट मैनर करता है तो सीडीके तार रेगुलेशन पे साइक्लिन दरकार हो ना साइक्लिन दरकार होता है तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज हो एंजाइम टा जोड़े कि प्रोटीन सेल रेगुलेशन हेल्प करता है सेल साइकिल रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अदर व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फॉर्म अच्छा को एमन को भीतर कोडा डिफरेंट बोली कहा हो पता हो तो एमन को भीतर ग्लाइकोजन टा अच्छे जो स्टोरेज मॉलिक्यूल है एनिमल्स मन करो सेलुलोज टा एटा मध्ये जो सेलुलोज जो ग्लूकोज यूनिट ग्रेन तैयारी होते हैं एमएलएस स्टार्च टाइम स्टोरेज बोले कहे जेनराल युवा कार्बोहाइड्रेट गुड़ा इनसुलिन टा हूँ प्रोटीन टा है यहाँ हूँ अलग सब गुटा सब जो होमोपोली सेक्रेटरी को लेकिन तैयारी होते हैं होमोपोली सेक्रेटरी को लेकिन तैयारी होती यूनिट सेम यूनिट को लेकिन दुईटा हूँ प्रोटीन टा इनसुलिन टा हूँ प्रोटीन टा तो से डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन आटार्च गिवस कलर विथ तो स्टार्च टा आईडीन एटा आईटा है आईडीन सहित मिसला मैंने कौन कलर दिए आईडीन सहित मिसला मैंने से कौन कलर दबो ना ब्लू कलर दबो को कलर दिए ब्लू कलर दिए जेहतु से एमाइलोज अच्छे एमाइलोज टा रिएक्शन करते कौन दबो ना से ब्लू कलर दिए मन रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन वेरिएबल फाउंड इन प्रोटीन्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स इन लिपिड्स बहुत जन एक्चुअली क्वेश्चन पचार सर कौ बुक आम फॉलो करूँ कौ बुक फॉलो करूँ तो बुक फॉलो करने ऑलरेडी मुझ चैनल भिड छाड़ सारी ये सब जितकी मुझे पढ़ाऊँ कि सब गुड़ा से बुक रे अच्छे जी हल्का डिटेल भाव पढ़ते सब जहाँ सब क्वेश्चन आम कर बुक्र
ସବୁ ଥିଓରି ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି ହେଲା। ତ ପାଥ୍ ଫାଇଣ୍ଡର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ 2ଟା ବୁକ୍ 600 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୁଛି। ପାଥ୍ ଫାଇଣ୍ଡର୍ ତୁମେ ବୁକ୍ କିଣିଦେବ, ସେ ପାଥ୍ ଫାଇଣ୍ଡର୍ 2ଟା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ପିଜିରେ ବି କାମରେ ଦେବ ହେଲା, ଲାଇଫ୍ ସାରା କାମ ଦେବ, ଯେଉଁ ବି ଯାହା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛ ନ ସେଇଠି ପଢ଼ିଦେଲା ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ତୁମର ସେଠି କଭର୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ସେଇଟା ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ସେଠି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଅଛି, ପଢ଼ିପାରିବ ତୁମେ। ଏବେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ କିଣିପାରିବ, ସେଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ଦରକାର ହେବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଭେରିଏବିଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ପଟେନ୍ସ ବଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ବି ମିଳିଯିବ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଦେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା କିଛି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ରହୁଥିବ। ତ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଭେରିଏବିଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ। ତ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଂ ଇଜ୍ ଇନ୍ଭେରିଏବିଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଲିପିଡ୍ସ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଭେରିଏବିଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଲିପିଡ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଖାଉଥିବ କିନ୍ତୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଲିପିଡ୍ସ ଦେଖାଉନଥିବ। ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଖାଉଥିବ, କାର୍ବନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯେଉଁ ଅଛି, କାର୍ବନ୍ ତ ଦେଖାଯିବ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଖାଯିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କି ପାଇଁ ଲିପିଡ୍ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ କାର୍ବନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାଇବ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ତ ଫାଇବ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା କେଉଁଟା, ଫାଇବ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମନେ ରଖିଥିବ ତୁମକୁ ହେଲା, ଫାଇବ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ଏଠି କଲାଜେନ୍ଟା ହେଉଛି ଫାଇବ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତ ଫାଇବ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କେଉଁଗୁଡ଼ା କେଉଁଟା, କଲାଜେନ୍ ହେଉଛି ଫାଇବ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଇଲାଷ୍ଟିନ୍ ହେଉଛି ଫାଇବ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେରାଟିନ୍। ଏଇ ତିନିଟା ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲି ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରାୟତଃ ଆସିବ ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ। ତ କଲାଜେନ୍, ଇଲାଷ୍ଟିନ୍ ଆଉ କେରାଟିନ୍, ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଫାଇବ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗ୍ଲୋବୁଲାର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା ତୁମର ଆସିଯିବ ଆଲବୁମିନ୍, ଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ହେଲା, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଟର୍ନରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏଇ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ସେଲୁଲୋଜ୍ ଇଜ୍, ସେଲୁଲୋଜ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବ୍ରାଞ୍ଚଡ୍ ଚେନ୍ ୱିଥ୍ ଆଲଫା 1,4 ଆଣ୍ଡ ଆଲଫା 1,6 ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅନ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଏଠି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଏନି, ଅନ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଅନ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚେନ୍ ୱିଥ୍ ବିଟା 1,4 ଯେଉଁ ଅଛି, 1,4 ଲିଙ୍କେଜ୍ ଥାଏ ହେଲେ, ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲେ ବିଟା 1,4 ନେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଆମେ ପଢ଼େ ଆମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାବରେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ତ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପଚାରୁଛି, ନଟ୍ ପଚାରୁଛି। ତ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ କେଉଁଟା ମନେ ରଖିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆନିମଲ୍ ବଡ଼ି ମାନଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡ଼ି ମାନଙ୍କର ହଉ, ତାଙ୍କର ଏମିନୋସିଡ୍, ଏମିନୋସିଡ୍ କହୁଛି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦରକାର ହୁଏ ହେଲା, ଡାଏଟ୍ରେ ଦରକାର ହୁଏ ବା କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନେଇକିନା ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ତିଆରି ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ଆମ ବଡ଼ି ପାଇଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ତିନିଟା ଯାଏ କ'ଣ, ଲିନୋଲେନିକ୍, ଏଇ ଲିନୋଲେନିକ୍, ଆର୍କିଡୋନିକ୍ ଆଉ ହେଲା ଲିନୋଲିକ୍, ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦରକାର ହୁଏ ହେଲା। ପାଲିମେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ତୁମେ ଜେନେରାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସସ୍ରେ ମିଳିଯିବ ହେଲା, ତ ପାଲିମେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଏଠି ଯେହେତୁ ନଟ୍ ପଚାରିଛି ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପାଲିମେଟିକ୍ ଏସିଡ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ମନେ ରଖିବ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ରେ ଯାଏ ଲିନୋଲିକ୍, ଲିନୋଲେନିକ୍ ଆଉ ଆର୍କିଡୋନିକ୍, ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଭାଲ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରେନ୍, ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରେନ୍ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମେନ୍ଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସୋର୍ସ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ଓଭାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କଥା ବୋଲି ପଚାରିଛି, ତ ପଟାଟୋର ମେନ୍ଲି ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏମିନୋସିଡ୍ ସାର୍ ଜେନେରାଲି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏମିନୋସିଡ୍ ସାର୍ ଜେନେରାଲି, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏମିନୋସିଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଏମିନୋସିଡ୍ ଥାଏ ହେଲା, ତ ସିଏ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋରେଟେଡ୍ ନା ଲିଭରେଟେଡ୍, ଦୁଇଟାକୁ ହେଇପାରିବ, କି ମାନେ ଯଦି ସିଏ ପ୍ଲେନ୍ ପୋଲାରାଇଜ୍ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ, ଯଦି ସିଏ ପ୍ଲେନ୍ ପୋଲାରାଇଜ୍ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ସିଏ ରାଇଟ୍ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ସିଏ ଯଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋରେଟେଡ୍, ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ସିଏ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଲିଭରେଟେଡ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଥ୍ ହେଇପାରିବ, ବୋଥ୍ ANC ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ଲିଭର ସିଡ଼, ତ ବୋଥ୍ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋରେଟେଡ୍ ବି ହୁଏ ଲିଭରେଟେଡ୍ ବି ହୁଏ। ମେ ବି ଟିକେ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ, ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଏ ଆଉ ବି ହେବା କଥା, ଟିକେ ଦେଖିବ ଟିକେ ହେଲା। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମେ ବି ଡେକ୍ସଟ୍ରୋରେଟେଡ୍ ଲିଭରେଟେଡ୍, କି ପାଇଁ ସେଟା ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ ପୋଲାରାଇଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋରେଟେଡ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଲିଭରେଟେଡ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପଚାରିବ ତ ଏଲ୍ ଲିଭରେଟେଡ୍ ବା ଏଲ୍ ଏମିନୋସିଡ଼୍ଟା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ
जेनरली एल लिभर रोटेटरी देखा जाए बेसी, किंतु दीटा को देखाई पार बोली मत लगुच तो ठीक अच्छे। देख एन एरोमेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड कौटा मन मन रख, एरोमेटिक एमिनो एसिड को गोटे सर्टकट मन रखे वाइफ है, वाइफा हूँ एरोमेटिक एमिनो एसिड। डब्ल्यू रे कौन मन रख ट्रिप्टोफैन, वाई रे मन रख टाइरोसिन, एफ रे मन रख फिलएनालैनिन, एगुड़ा सब सर्टकट गुड़ा एमिनो एसिड रो सर्टकट गुड़ा को मन रखाई। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड कहला मैंने वाइफ मैं मन रख बुझे कि नहीं, मोर वाइफ रो एरोमेटिक एरोमा मैं बहुत बढ़िया स्मेल कर। जनरली फिमेल मान जो स्मेल थाए तो बेस भल देखे मन रखिपर तो वाइफ, तो वाइफ रेल भल से तो से हिसाब से मन पार। डब्ल्यू रे हूँ ट्रिप्टोफैन, वाई रे हूँ टाइरोसिन, एंड एफ रे हूँ फिनेलैलानिन है। नेक्स्ट हूँ सी एन एस टू एन जो अच्छे से ही सेम फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट रही से ही जिनसा हम कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन मतलब रिपीट कराई। एंड हेक्सोज विथ कीटन ग्रुप, कीटन ग्रुप कौटी थाए जोटा कि हेक्सोजा, हेक्सोज कहला मैंने छोटा कार्बन मॉलिक्यूल थी आउ कीटन ग्रुप थी। तो फ्रुक्टोज तो तुम जान सी गोटे हेक्सोज, ग्लुकोज रिटर कीटनिक यूनिटा तो एक सारे जीव फ्रुक्टोज। विच प्रोटीन फॉर्म्स हेयर हॉर्न एंड क्लोन, तो जान हेयर आउ जो क्लोज गुड़ा से कैराटीन थाए, कैराटीन कौटे अच्छे कैराटीन हूँ आंसर, कैराटीन प्रोटीन गुड़ा थाए तुम हेयर में थाए, तो ये तो कमन सेन्स भी यूज करते ना तुम आंसर कर पार्थ। कमनली यूज टेबुल सुगर, टेबुल सुगर तुम जान सुक्रोज यूनिट नहीं जो तुम एमती भी तो जानते होटा जो आखु रस जो तैयारी हुए, आखु रस तैयारी हुए सुक्रोजा तुम से जानपार थोड़ा ये आंसर सी। विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय मेन, तो जान आम जान कि जो सेलुलोजा आम जो जहाँ भी थोड़ा खाऊँच शाग फाग खाऊँ कि प्लांट प्रोडक्ट आम बेस जो हार्ड प्लांट गुड़ा प्लांट प्रोडक्ट गुड़ा पत्र गुड़ा आम खाती नहीं क्या आम से सेलुलोज एंजाइमटा ना आम से डाइजेस्ट करें सेलुलोज एंजाइमटा आम बॉडी में ना तो से नहीं तो नॉट डाइजेस्टेड जो डाइजेस्टेड हो पारे नहीं सेलुलोज एंजाइम ये क्वेश्चन बहुत पड़े। तो ऑल द फॉलोइंग आर म्यूकोबल एसिड, सब गुड़ा म्यूकोबल एसिड एक्सेप्ट म्यूकोपोलीसेकेराइड, इवन कोई तो कोड म्यूकोपोलीसेकेराइड तो सीटा कहपाई कह तो कैराटिन सल्फेट सेलुलोज एसिटेट म्यूकोपोलीसेकेराइड म्यूकोपोलीसेकेराइड सेलुलोज एसिटेटा लगुच देखिए सीटा ठीक अच्छे चेक कर कितु मत हाँ मन पड़ी कि जो म्यूकोपोलीसेकेराइड हूँ कौन ना युवा सब म्यूकोपोलीसेकेराइड किंतु सेलुलोज एसिटेटा नुहे कि जेहतु सेम यूनिट को नहीं तैयारी तो सेटा सेलुलोज एसिटेट में भी बेहब है। पिकअप द ओड वन आउट, ओड वन टाक तुम बाहर कर तो नेचुरल सिल्क आउ कोलाजन फाइबर आउ कॉब वेब एगुड़ा सब जो सिल्क अच्छे एगुड़ा सब जो अच्छे एगुड़ा सब फाइबर प्रोटीन फाइबर गुड़ा नहीं प्रोटीन फाइबर को नहीं तैयारी कि सेलुलोजा होती है कार्बोहाइड्रेट यूनिट है ना तो सेटा अलग हो। नंबर ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड तो केतरा कौन कह नंबर ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड, अच्छा प्रोटीन एमिनो एसिड केतरा थाए तो जनरली 22 टू थाए तो जनरली रिडिस्कवर है तो 22 जो ऑप्शन दे 22 मार ना 22 द्वारा जी 22 जनरली 22 हो गला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा द एक्जाम्पल ऑफ लिविंग फाइब्रस प्रोटीन, लिविंग फाइब्रस प्रोटीन मानक कौटा तो एक्जाम्पल ऑफ तो मायोग्लोबिन एगुड़ा तो गला ग्लोबुलर प्रोटीन गुड़ा तो कोलाजेनटा हूँ आंसर जोटा कि से मन रखा कही कोलाजेन इलास्टिन आउ केराटिन, कोलाजेन इलास्टिन आउ केराटिन ये तीन टा हूँ है जोटा कि आम फाइब्रस प्रोटीन जाए है। हाइलुरोनिक एसिड कौटा था, हाइलुरोनिक एसिडा कौन था ह्यूमन ओवरी ह्यूमन स्पर्म ह्यूमन ओवम ब्लड मामल्स, देखो ह्यूमन स्पर्म न थे तुम्हें जानते हो हाइलुरोनिक एंजाइम जो सिक्रेशन हुए तो ओवम को जाकर मीट कर एक्टिवेशन स्पर्म एक्टिवेशन टाइम हाइलुरोनिक एंजाइम सिक्रेशन करे तुम देखते हो स्पर्म जो यहाँ तो स्पर्म जो स्ट्रक्चर तुम देखो ये कौन जो एक जो रिएक्शन जो देखा जाए एक जो रिएक्शन कौन हम ना लास्ट एंजाइम सिक्रेशन होते सिक्रेशन है ओवम को तर प्लाज्मा नेटवर्क रप्चर करेंगे हेल्प करे पेन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर जॉइंट, दुईटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो फॉर्मेशन जॉइंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करे से बीटा प्लेटेड सीट कहा जाए है। देन लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लिपिड मैंने सॉल्युबल होते हैं वाटर कौन पे लिपिड्स आर न्यूट्रल, लिपिड्स आर हाइड्रोफिलिक, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक,
ଲିପିଡ୍ସ ନଟ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଇନ୍ ୱାଟର୍, ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ହୁଅନ୍ତିନି କି ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ସେମାନେ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ୱାଟର୍ ସହିତ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ହୁଅନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଡିନେଚୁରେସନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିସରପ୍ଟେଡ୍, ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡିନେଚୁରେସନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିସରପ୍ଟେଡ୍ କେଉଁଟା ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟର୍ସିଆରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ, ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଡିସରପ୍ସନ୍ ହୁଏ, ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେତେବେଳକୁ ଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡିନେଚୁରେସନ୍ ମାନେ କରୁଛ, ଆଇଦର ତୁମେ ଆଲଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ କିମ୍ବା ଆଲକୋହଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ହିଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ, ତ ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ୍ ବଣ୍ଡ୍ ଅଛି, ଭେଣ୍ଡ୍ରାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ଠିକ୍ ସବୁ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇକି ସେ ଲିନିୟର ଚେଞ୍ଜ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିନେସନ ଏମିନେସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ୍ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ତାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟର୍ସିଆରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ, ଥ୍ରୀ ଡି ସବୁ ସେପ୍ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିବ ଲିନିୟର୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଡି ନେଚର୍ ଟାଇପ୍ ମାନେ ତାର ଇଏ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍ଟା, ଏ ବି ହେଲା। ତ ଏ ବି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ସେ ପଚାରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡିନେଚୁରେସନ୍ କଲା ମାନେ ତାର ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବ, ଟର୍ସିଆରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟର୍ସିଆରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଲା ମାନେ ଥ୍ରୀ ଡି ସେପ୍ ରୁ ତ ସେ ଯିବନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ୍ଟା ତାଙ୍କର ଏମିନେସନ ଏମିନେସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ୍ ଥାଏ, ସେଟା ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଡିନେଚୁରେସନ୍ ହେଲା। ଯଦି ଡାଇଜେସନ୍ କରିଦେଉଛ ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରୋଟିଜ୍ ଦେଇଦେବ, ପ୍ରୋଟିଜ୍ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ସିଏ ଏ ଯେଉଁ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ୍ଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍, ତ କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଟା ତ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲିଭର୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ ହେଲା, କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ, ଲିଭର୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ। ସେଲୁଲୋଜ୍ ଇଟେନ୍ ବାଇ ଗ୍ରେଜିଂ ଆନିମଲ୍, ଗ୍ରେଜିଂ ଆନିମଲ୍ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଘାସ ଫାସ ଖାଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଲୁଲୋଜ୍ଟା କ'ଣ ପାସ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍, ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନଜାଇମ୍, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତ କିଏ ଡାଇଜେସନ୍ କରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ତ ମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଜିଂ ଆନିମଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ତ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ମେନଲି ଯେଉଁ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ତ ଡାଇଜେସନ୍ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଡାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତି। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ କେମିକାଲ ସାର୍, ଡାଇଭର୍ସ କେମିକାଲ କେଉଁଗୁଡ଼ା, ମେନଲି ଡାଇଭର୍ସ କେମିକାଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏବସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, କେଉଁଟା ଏବସେଣ୍ଟ ଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ, କାର୍ବନ୍ ଥାଏ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ସଲଫର୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି ଯେ ଯେଉଁ ସିକ୍ସଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସଲଫର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫସ୍ଫରସ୍ଟା ସେଇଟା ନଥାଏ ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡି, ନଟ୍ ପଚାରିଛି, ଆବସେଣ୍ଟ ପଚାରିଛି। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଅପରେସନ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଅପରେସନ୍ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, କଟନ୍, କଟନ୍ ଦେଖାଯିବ, ଏଟା ତ ନର୍ମାଲ୍ କଥା, କଟନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଲିନୋଲେନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇଜ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନ୍, କେଉଁଠି ଥାଏ, ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍ରେ ଥାଏ ଲିନୋଲେନିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ହେଲା। ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍, ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର NH2, ତାପରେ CCOH, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା NCC, ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ବନ୍ ସ୍କେଲେଟନ୍ଟା, ଏପଟେ ଆର୍ ରହୁଛି, ଏପଟେ ଏଚ୍ ରହୁଛି, ନର୍ମାଲି NCC ଯେଟା ଆମର ବିଗ୍ ବଣ୍ଡ୍ଟା, ଏଠି ସେଭଳିଆ NCC ଫର୍ମ ତ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି NH2। ତ ଏଇ କେମିତି ବଣ୍ଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆମ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଯେ ସିଟା ଏଠି ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ୍ ଓର ପଳେଇଲା, ଏଠୁ OH ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଏଠି ଏନ୍ରୁ ଏଠୁ ଏଚ୍ ଗୋଟେ ପଳେଇଯିବ, NH2 ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଠୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଯେଉଁ COOH ଥିଲା ଏଠୁ OH ପଳେଇଗଲା, NH2 ରୁ ଏଚ୍ ପଳେଇବ ଆଉ କାର୍ବୋସିଲିକ ଏସିଡ୍ରୁ OH ପଳେଇଯିବ, କେଉଁ ଆକାରରେ, ୱାଟର୍ ଆକାରରେ। ତ କାର୍ବନ୍ ସହିତ ଏଇନା କାର୍ବୋସିଲିକ ଏସିଡ୍ରୁ ହେଲା, ଏଇଟା ଆଲଫା କାର୍ବନ୍, ତ ଏଠି କାର୍ବୋସିଲିକ ଏସିଡ୍ରୁ ଖାଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବଞ୍ଚିଲା, ତ CO ତାପରେ ଏନ୍ ଏଠି ଏଚ୍ ହେଉଥିଲା, ତ CONH ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ୍, ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, CONH କୋଡ଼ ଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା CONH, ତ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଇନ୍ ଲିପିଡ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କ'ଣ, ଚାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଇନ୍ ଲିପିଡ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଲେସ୍ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍, କାର୍ବନ୍ ଅପେକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ସବୁ କମ୍ ରହିବ ନା, ଜେନେରାଲି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଲିପିଡ୍ ମଲିକୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାରେ କାର୍ବନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ମେନ୍ଲି ଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଏମିତି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ, ତ ସେଠି ବେଶୀ କାର୍ବନ୍ ଥାଏ ନା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବହୁତ କମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଚ, ଷ୍ଟାର୍ଚଟା ହେଲା କ'ଣ, ଷ୍ଟାର୍ଚର କ'ଣ, ଷ୍ଟାର୍ଚଟା ତା'ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେକ୍ସୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ହେକ୍ସୋଜ୍ଟା C6H12O6 H2NO5 ଏଇଟା ରହିଲା, ତ ଏଠି ଦେଖିକିରି ଏନ୍ ତୁମେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆନ୍ସର୍।
इन्हें डेड और किल एनिमल ग्लाइकोजन ऑफ लिवर डिस्ट्रीब्यूशन गोटे डेड जो किल एनिमल आम नवा तो ग्लाइकोजन टाइम जो तरह लिवर बाहर करते आराम से आम एंजाइमेटिकली आम कौन बाहर कर ग्लुकोज बाहर कर पार लगे मैंने ग्लाइकोजन कह रही यूनिट गुड़ाक नहीं तैयारी है ग्लुकोज गुड़ा यूनिट नहीं तैयारी है तो से देखिपर गोटे सिंपल प्रोटीन फाउंड इन एग व्हाइट तो एग व्हाइट तो मैंने तो छोटे बड़े पढ़ी आस आलबुमिन थाए आलबुमिन थाए आलबुमिन केसिन तो मिल्क प्रोटीन थाए देखिए मैच करने बेसिक एमिनो एसिड ए तो मुझे मन रखा कहली एच आर के एसिडिक दे आउ जो तुमको कहला कौन सल्फर कंटेनिंग सी एम ये सब कही हाइड्रोसिल कंटेनिंग एस टी सेरिन थ्रीनिन एगुला ओएच कंटेनिंग इटा है सल्फर कंटेनिंग एगुड़ा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग इटा है एन एस टू ग्रुप कंटेनिंग सब रोच एगुड़ा सब बढ़िया मैप करेगा पड पड़ भी बहुत अच्छे से मन रखा तुम कमी मन रख तुमको मुझे शिखेदेवि बेसिक एमिनो एसिड बेसिक एमिनो एसिड जो अच्छे से हाँ एच आर के कहली एच आर केटा हो लाइसिन लाइसिन कौट अच्छे लाइसिन यहाँ तो एटा थ्री एटा थ्री ए दुटार अच्छे ना काटे दिए तो देखिया इम्यूनो एसिड इम्यूनो एसिड तुम जान प्रोटीन यहाँ तो गोटे ही अच्छे इम्यूनो एसिड जोटा कि एन एच थाए एन एच टू बदल में तो यहाँ को इम्यूनो एसिड कह इम्यूनो एसिडा है एन एच टू जो लगे ये एन एच टू न था एन एच थाए तो इम्यूनो एसिड तो इम्यूनो एसिडा है प्रोलीन पड़ेगा तो बीटा हूँ वन बीटा कौट हो ना ये अच्छे तो एनसर होगा यहाँ सी नंबरटा होनसर एस कंटेनिंग तो सिक्सटीन एवं ही मन रखा कहे ये सर्टकटा देख सिक्सटीन कंटेनिंग जो सल्फर कंटेनिंग हमें सी एम नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा जे केन सुगार तो जान सुक्रोज जोटा कि आखु रस बाहर फ्रूट सुगार तो जान फ्रुक्टोज फ्रूट ये भी हनी जो बाहर फ्लावर ब्लड सुगार तो ब्लड रो सुगार देखा जाए मेनली ग्लुकोजा ना ये देखते कौट केन सुगार एट हूँ थ्री एट हूँ कौट ये दुटा भितर बाहर आंसर तो यहाँ थ्री तपुर फ्रूट सुगार हूँ वन तो यहाँ हूँ बीटा हूँ आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा मिल्क प्रोटीन तुमको एवं कहली केसीन हूँ मिल्क प्रोटीन मिल्क सुगार कहले लैक्टोजन लैक्टोजन मिल्क सुगार स्ट्रक्चरल कंपोनेंट काइटिन तुम जान पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड गोटे काइटिन काइटिन कौटे देखा जाए आर्थ्रोपोड मानक स्केलेटन देखा जाए आंसर एटा हूँ मिल्क प्रोटीन एटा हूँ थ्री एटा हूँ थ्री एट आंसर गोटे ही अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा सब बायोकेमिस्ट्री आहुरी मैं बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आम नेक्स्ट भिडियो आने ये देखा किसी इकोलोजिकल क्वेश्चन डायवर्सिटी स्मोकटा यहाँ है कौन जेनराली एयर पल्यूशन क्वेश्चन आस तो स्मोक इज कम्बिनेशन स्मोक कौट कौट जिनको नहीं तैयारी है तुम जान स्मोक आउ फोक को नहीं तैयारी है से गुड़ा हूँ स्मोक प्लांट सेक्टर जे एयर प्यूरीफायर प्लांट मैंने एयर प्यूरीफायर हिसाब से कम करते कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं था और देखिए कौन कौन करते ऑक्सीजन टा बाय प्रोडक्ट आकर तैयारी करते हैं कौ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आंसर है फोटोसिंथेसिस इट व्हिच कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड कॉज ए हेडेक है यूर जेनेल तो टी डाटा वाला इनफर्मेशन तो ये क्वेश्चन जब जाने कर आहेतु जब नेगेटिव मार्किंग ना तो तुमने मत चूज कर तो 100 ppm टा होची एयर आंसर तो आज तुमने नोटिफिकेशन देखि नोटिफिकेशन बाहरी कौद कौ डेट्रे अच्छे अलरेडी मुझे ग्रुप में सेयर करी आउट्यूब कम्युनिटी टैब्रेली तो सीरीयसली पढ़ापढ़ी स्टार्ट करते एवं रिविजन स्टार्ट करते जहाँ जैसे पढ़ाई ठीक अच्छे डेली प्राक्ट किसी क्वेश्चन करूँ ता सहित रिविजन करूँ जहाँ भी जैसे पढ़ले सब रिविजन करूँ तापूर्व निहाती भाव में इंपोर्टां जो अच्छी इंपोर्टां जो टपिक अच्छे से टपिक गुड़ाक एग्जाम पूर्व एक तारीख टू जो 5 तारीख धर जहाँ कार एंट्रा हो तो फास्ट 1 तारीख रू 3 दिन जो 4 दिन जहाँ भी जैसे रोच जो मानक से भल भाव में तुमने रिविजन ही ओनली कर ओनली रिविजन दिन राति खाली रिविजन ही करना जी जो 10 डेज रहा 10 डेज पाखे कि 9 डेज पाखे अच्छे एगुट जो किसी आउ किसी जिन पढ़ार अच्छे साइमल्टेनियसली तुम रिविजन जहाँ भी करने चाहो कर दि नेक्स्ट 1 रू 5 डेज रहा खाली रिविजन कर रिविजन कर रिविजन कर रिकॉल कर तो रेडिएशन फ्रॉम एक्सपोजर एक्जोस्फियर डू नॉट हार्म अस तो रेडिएशन फ्रॉम एक्सपोजर
कौन पाए ना ओनली 0.1% रेडिएशन रिच अप टू द अर्थ। तो एग्जॉस्ट पेयर रू कौन होगा 0.1% पाखापाखि रेडिएशन आम पाखे पहुँच पार्चे से किसी हार्मफुल हुए ना। तो आंसर ए सी ओजोन लेयर इज कौन। ये क्वेश्चन है बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसे है तो आगे मतलब पढ़ी तो मन रखा कौन ओजोन लेयर कौट देखा जाए स्ट्राटोस्फीयर रू देखा जाए द इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तार इफेक्ट देखा जाए यहाँ मन रखिए। यूवी रेज कौज यूवी रेज कौन तुम तो जान स्किन कैंसर करे बोले यहाँ व्हिच काइंड ऑफ पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इकोलाइट। तो तुम जान इकोलाइटा कौन जी सब डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम करता है मेनली डायरिया कॉज करता है यहाँ से मेनली वाटर पोल्यूशन जदि से हो गुटा बेस देखा जाए तो वाटर पोल्यूशन यहाँ मेनली आम जानता इकोलाइटा तो डायरिया कॉज करता है। एक्सोटिक कंजर्वेशन ऑफ मस्क डियर तो उत्तर प्रदेश में जो अच्छी एक्सोटिक कंजर्वेशन कहला मैंने आम जाना से गोटे आर्टिफिशियल एनवायरमेंट तैयारी करते से आर्टिफिशियल एनवायरमेंट से नहींकना आम से एनवायरमेंट रखुच्चर निज ओन प्लेस प्रोटेक्शन दूसरे से इनसीटू कंजर्वेशन है जब आम से नहीं आउ गोटे जगार आम गोटे से एनवायरमेंट या आर्टिफिशियल से कौन कह एक्सीटू कंजर्वेशन एक्सीटू कंजर्वेशन तो सर कौट अच्छी मन रख कांचला खरग जो अच्छे से मस्ट डियर पर रखा जाए कंजर्वेशन कांचला खरग है रिजर्व हो लार्जेस्ट पपुलेसन लार्जेस्ट पपुलेसन जोटा कि एलिफेन्ट एलिफेन्ट एमती क्वेश्चन आसी पारे जो कौटा एलिफेन्ट नेचुरल नेशनल पार्क कौटा कि जो रिजर्व कर रखा है ना तो सांचुरी कौटा एमती सब क्वेश्चन आसी पारे तो एलिफेन्ट हूँ डेवलप तो बायोस्फीयर रिजर्व किए कनसीडर देते यूनेस्को देखे यूनेस्को देता है यहाँ क्वेश्चन मैं आसपा तो यूनेस्को है कौन बायोस्फीयर रिजर्व टोन टाक सी देते ये क्वेश्चन गुड़ा जाना इंपोर्टेंट बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक से कौन मेनली थाए से कौपर कर बांदीपुर नेशनल पार्क देखे भी मुझे चेक कली तो जो अच्छी एलिफेन्ट जो लार्जेस्ट पपुलेसन देखा जाए कौटे तो यहाँ मानस देखा तो यहाँ मानस जो अच्छी नेशनल पार्क सीट देखा जाए मेनसन अच्छे है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा कि बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक ऑन से प्रोजेक्ट तो कौन पे बांदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटक अच्छे से टाइगर पर मेनली प्रोजेक्टा बनाई थी। नंबर ऑफ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट केतरा अच्छे इंडिया रे हैला तो मन रख दुईटा अच्छे हैला इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कथा कौच हुई इज ए सैक्रेड लेक तो यहाँ भर सैक्रेड लेक कौटा ना खिच जो खिचे पलारी लेक जो अच्छे सीटा हूँ सैक्रेड लेक ये जेनराल क्वेश्चन आज एगुटा तो जेन स्टेटमेंट है मेमोरी बेस्ड तो यह देखिए जब आस करदेव ना जाफा गाना गोटे मारद कि ट्राए कर किसी डाटा देदेवि एक्जाम पूर्व तो से हल्का आखि पक देखना एक्जाम जी हल पूर्व टे देखने जाइए अभी स्पेशल न पड़े भी सेमती खाला बेलू खाऊ सैमेंटर मोबाइल टे देखी दिव नोट्स किंवा एमती इंटरनेट मार दियो से गुड़ा ही क्वेश्चन गोटे दुटा आसी जाए आसे नहीं गोटे दुटे क्वेश्चन आसे। ऑल ऑफ द एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल सर लोकेटेड इन द टीसीए साइकिल रे इवन भीतर को एंजाइम्स रो सब गुड़ा अच्छी किंतु एक्सेप्ट गोटे न नहीं माने माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे देखा जाए ना आउ सब देखा जाए तो साइट्रेट सिंथेटिस हम देखा जाए अल्फा कीटोग्लुटामेट डिहाइड्रेशन एटा देखा जाए टीसीए सक्सिना डिहाइड्रेशन एटा न था एटा को था एटा होला होची माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स माने इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए बुझेगा ये सब देखा जाए ये सब तीन टाइम देखा से सब कौन देखा जाए सब मैट्रिक्स देखा जाए जो टीसी साइकिल पढ़ु टीसी साइकिल इंपोर्टेंट भाव तुम्हें निहती पढ़व टीसी साइकिल क्वेश्चन बहुत आसे टीसी साइकिल सब स्टेप गुड़ा मन रख के एटीपी प्रोडक्शन हो देख मन रख ये बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ुच तुम मेटाबॉलिज्म पढ़ुच तुम ये जिनस ध्यान देव जो सीठी सब के एटीपी प्रोडक्शन होना जो कौटे सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन हो कौ एंजाइमटा कौटा है एटीपी रिक्वायरमेंट के एटीपी रिक्वायरमेंट एटीपी प्रोडक्शन के एरोबिक रेस्पिरेशन के एनारोबिक रेस्पिरेशन के टीसी साइकिल रहा कौटा है पुणी आहरी रेट लिमिटिंग स्टेप कौटा है बुझे कि नहीं आउ सब जो ये जो पचारा जो मेट्रिक्स कौ एंजाइम गुड़ा थी इनर मेम्ब्रेन कौटा रोचे साइटोप्लाज्म कौ
ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହୁଛି, ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଡ଼େ ଏଇସବୁ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ାରୁ। ବେଶୀ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଡିପ୍ ପଚାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିମ୍ପଲ୍ କନସେପ୍ଟରେ ପଚାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ ସକ୍ସିନେଟ୍ ଯେଉଁ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା ଅଛି ସିଏ ହେଲା କ'ଣ, ଇନର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଆର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ତ ଏଇଠି ବି ତୁମେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ ହେଲେ ଏନ୍ସର୍ ଦେଖ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖ। ତ ଏଇଠି ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଟିସିଏସ୍ ସାଇକେଲ ତୁମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କରୁଛ, ଧର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧର କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ତୁମର ଏଇନା କାମ କ'ଣ, ତୁମେ ଯିବ ସେଇ ଟିସିଏସ୍ ସାଇକେଲରେ ପଢ଼ିବ। ଟିସିଏସ୍ ସାଇକେଲରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତୁମେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଏନ୍ଜିମ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଖାହେଉଛି, ତାର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ, ଟିସିଏସ୍ ସାଇକେଲ ସବୁ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ଦେଖିଦେଲେ ତୁମେ ଜିନିଷଟା ହେଲା କରିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ମତଲବ ହିଁ ଏଇଆ କି ତୁମେ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟାର ନଲେଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି କରିପାରୁନ ତୁମେ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ଉପରେ ଯାଇକିନା ପଢ଼ିବ ହେଲା, କି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟର ହିଁ ପଢ଼ିବ, ସିମିଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କଲା ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ, ତୁମର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଆସିବ ତୁମକୁ। ଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍ M13 କଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ, ତ ଯେଉଁ M13 ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍ଟା ଅଛି ସିଏ ତାର ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ଟା କ'ଣ, ତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ RNA ନା ତାର DNA ଥାଏ, ତାର DNA ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ DNA ଥାଏ, କୋଡାଲ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ DNA ଅଛି, ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ DNA ହେଉଛି M13 ଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ସବୁ, କାହାର ଡବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ DNA, କାହାର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ DNA, T4 ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍ରେ କ'ଣ, ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ସବୁ କାହାର କ'ଣ ରହୁଛି, ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ କେଉଁଟା, ଡବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ କେଉଁଟା, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍। 1972 ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲା ଆଗରୁ ଥରେ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିପେଟ୍ ଜୁଲୋଜିକୁ ପଢ଼ିବ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଦେଖିବା, ଏ ସ୍ପେସିସ୍ ଫେସିଂ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହାଇ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଡେଫିନେସନ୍, କାହାର ଡେଫିନେସନ୍ଟା, ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର, କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଯେଉଁଟାକି ନିୟର ଫ୍ୟୁଚର ଇମିଡିଏଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ମାନେ ଗତି କରୁଛି। ତ ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ତୁମେ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍, ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ନିପାତ ହେଇଗଲାଣି ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍, ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଯେଉଁଟାକି ନିୟର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବେ ଆମର ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଯେଉଁଟାକି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚରରେ, ଏଥିଲା ନିୟର ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ହେଉଛି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ନିୟର 10 ଇୟର୍ ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ ସେମାନେ ନିପାତ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ବି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର। ତାପରେ ଆସିଲା ଭଲନେରେବଲ୍, ଭଲନେରେବଲ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ହେଲା ଯେଉଁ ରେୟାର୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଡାଟା ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଆଉ କେଉଁଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର କ୍ରିଟିକାଲ ନେଚର, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଟିକାଲ ନେଚର ଯେହେତୁ ଦେଇନି ତ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଡେଫିନେସନ୍, ସେମ୍ ନିୟର ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଟର୍ମଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଇମିଡିଏଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଗିଥିବ, ତ ସେଟା ହେଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ନେଚର। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଣ୍ଡେଜରେ, ତ ହାଇ ରିସ୍କ ରହୁଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚର କଥା ଲେଖା ହେଇଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି, ଯେତେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଣ୍ଡେଜରଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଦେଖିବ କେଉଁଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବହୁତ ହୁଏ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ କନଜର୍ଭେସନ୍ଟା ଯେଉଁ ରେଡ଼ ଡାଟା ବୁକ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଫିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ଆନିମଲ୍ ଏପୋପ୍ଟୋସିସ୍, ଆନିମଲ୍ ଏପୋପ୍ଟୋସିସ୍ରେ କେଉଁ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନଟା ମେନଲି ଇଏ ଥାଏ, ତମେ ଜାଣିଛ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏପୋପ୍ଟୋସିସ୍ ହେଇଥାଏ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଇଏ ଅର୍ଗାନେଲ୍ଟା ହେଲା, ଏପୋପ୍ଟୋସିସ୍ ପଢ଼ିଥିବ ତୁମମାନେ ଯେଉଁମାନେ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଟା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଟୁ ବି କ୍ଲୋନିଂ ଭେଟ୍, କ୍ଲୋନିଂ ଏଇଟା ହେଲା ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ କ୍ଲୋନିଂ ଭେଟ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କ୍ଲୋନିଂ ଭେଟ୍ରେ ପ୍ଲାଜମିନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍, କେଉଁଟା ରିକ୍ୱାର୍ କରେନି, ତ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍, ହଁ କ୍ଲୋନିଂ କରିବ, କ୍ଲୋନ୍ କରିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ନମ୍ବର ବନେଇବା ମାନେ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ତ ନିହାତି ତା ରହିବା ଦରକାର, ନିହାତି ନେସେସରି। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହଁ ସିଲେକ୍ସନ ନହେଲେ କେମିତି କରିବ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସିଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଟା ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ ହଁ ନିହାତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ ହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମ ଡିଜାର୍ DNAଟା ଆଉ କେମିତି ତୁମେ ପ୍ଲାଜମ ଯେଉଁ ଭେକ୍ଟର ତୁମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କର, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଦରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦରକାର ହିଁ ହେବ। ତ ଏବେ ହାଇ କପି ନମ୍ବର ବହୁତ ଏମାଉଣ୍ଟରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ହେବ, ପ୍ଲାଜମିନ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଭେକ୍ଟରଟା, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନେସେସରି ନାହିଁ ଯେ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ତ ଏଇ ତିନିଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଭେକ୍ଟର ପାଇଁ, ଏଇଟା ଥିଲେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମିତି ବି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ନହେଲେ ହେବନି।
जोड़ी की तीन टा बहुत इंपोर्टेंट, तो आंसर सही हिसाब से हमें हिजिब डीटा क्वेश्चन तो ठीक नहीं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिस्ट इंपोर्टेंट इन अ बॉडी, तो कौटा मानक भितर लिस्ट इंपोर्टेंट आते गोटे सर्टकट मन रखे चंस कौन मन रखे चंस है तो सब बेस कार्बन थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोर ये सब थाते पाँचटा एलिमेंट ही चार छा सिक्स एलिमेंट हूँ जोटा कि मैक्सीम बॉडी हिं थे तो सी एच ओ एगुरा सब बेस अधिका था तो हुई तो फलिंग एलिमेंट इज लिस्ट इंपोर्टेंट एम भर कौट सब लिस्ट एम कार्बन थे हाइड्रोजन थे ऑक्सीजन थे तो फॉस्फोरस बहुत कम था सिक्वेंसटा मन थी तो सब लिस्ट अमाउंट कौन था फॉस्फोरस है पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कौन था तार नेगेटिव आयन भी था आउ पॉजिटिव आयन भी था अदर एंड तो यहाँ आंसर हो ए हुई तो फलिंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड टू वाटर वाटर लो हीट वेपोरेशन रोचे आउ डाइपोलर नेचर तो सो करे डाइलेक्ट्रिक कंडक्शन में वाटर थाए आउ बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 डिग्री मन रखे तीन टा करेक्ट यहाँ हूँ नॉट रिलेटेड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो पोलारिटी वाटर मेक्स इन एक्सलेंट सॉल्वेंट पोलारिटी नेचर जेहेतु तार अच्छी तो सेथिमे यूनिवर्सल सॉल्वेंट हिसाब से तुमने जानते यूनिवर्सल सॉल्वेंट हिसाब से यूज करा जाए वाटर टू ला तो वाटर हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ सेथिमे से आराम से मोमेंट कर पाछो वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉडी वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कंडक्शन तो पी क्वेरे सब ठीक अच्छे ये व्हिच नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई मेल्टिंग पॉइंट 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 ऑफ वाटर तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कथा से पचार तो हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड रे कोड आस्ते नॉन कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड तो बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई मेल्टिंग पॉइंट तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो अच्छे बॉइलिंग ऑफ वाटर में भी रोक है क्वेश्चन टा तुम्हें जनरली कर एमिनो एसिड टा नॉन आयनेजेबल नो आयनेजेबल ग्रुप इन इट साइड चेन तो रोचे तो यहाँ को नॉन आयनेजेबल वाला फॉर्म टाक आम जब टाइट्रेट कर जीरो टू फोर्टीन पीएच रखुच्च कौ मान भितर पीएच रेंज रे यहाँ फर्म देखा नहीं नॉन आयनेजेबल फर्म कह कौन आयनेजेबल आयनेजेबल किसी नथिव नॉन आयनेजेबल फर्म टा सब हूँ कौन एनएच जो एनएच थ्री जो अच्छे एनएच टू आउ सी एच आर सी एच एटा हूँ नॉन एनर्जी फोन किसी भी एनर्जी ना एटी भी ना कि पॉजिटिव आयन शो करुच्छे ना एटी भी किसी नेगेटिव आयन शो करुच्छे तो यह कंडीशन टा रेयर प्राय तो हम ही ना मैंने प्राय हुए नहीं नॉन एनर्जीबल फोन जो कि पूरा जो कि टिपिकाल ये कंडीशन टा तो यह कंडीशन रुहे ना है तो यही कंडीशन टा आसवे ना तुम्हें जो देख जुईटर इनफर्मेशन कर नॉर्मल आमर पीएच सेवेन रे है पीएच सेवेन जेनराली जो आइसोइलेट्री पॉइंट रे ये ऑपरेशन करते हैं ना तो एम ऑपरेशन कर कौन हो डी प्रोटीन रे हो तुम्हें बेसिक कंडीशन रखी दौ बेसिक कंडीशन रखे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिडा सी शो करे नेचरटा है नेगेटिव आयन शो करे डी प्रोटीन रेड हो जाए बेसिक कंडीशन रखे मैंने कौन हो डी प्रोटीन रेड हो जाए डी प्रोटेन मैंने एन एस थ्री जो लगी एसटा डोनेट होगा डी प्रोटेनेट होगा कौन हो डी प्रोटेनेट होगा ये बेसिक कंडीशन है एसीड कंडीशन जो तुम रखुच एसीड कंडीशन रखे मैं दुटा को हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैंड हो तो ये हाइड्रोजन कि एसीड कंडीशन मैंने कौन एच प्लस अधिका अच्छी तो एच प्लस अधिका अच्छे मैंने ये एन एस थ्री होगा एन एस टू एन एस थ्री हो सीओ जो थी सीओ एच रे कौन गोटे अच्छे एसीड कंडीशन एसिड कंडीशन मैंने एच प्लस अधिका अच्छे तो बेसिक मैंने एच प्लस कम अच्छे है तो एन एस थ्री टाइम सी कौन उठी गला एन एस टू रे आई सीओ एच जो थी से कमीगल है तो यह सब कंडीशन मन पड़ोब कि जो टिपिकाल कंडीशन टाइम नॉन आइजेबल कंडीशन में देखा जाए तो आइसोलेट्री पॉइंट ऑफ प्रोटीन डिपेंड आइसोलेट्री पॉइंट कह मैंने नेट चार्ज मॉलिक्यूलर चार्ज जीरो थी कौन रखा द पीएच एट पीछे द नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज जीरो तो सेटा हम कोई थांती आइसोलेट पॉइंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट स्टेबलाइज द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर किए करते हैं मेनली आम
फॉर स्ट्रॉन्ग करते नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिए गोटे क्वेश्चन एटा सिंपल क्वेश्चन मन रखिए जमी क्वेश्चन आसपे इन पॉलीपेप्टाइड हेज 400 एमिनो एसिड अच्छे चार्टा 100 एमिनो एसिड अच्छी एमिनो एसिड रेसीड्यूज रेसीड्यूज कहे मैंने कौन जितने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं सेटा हमें रेसीड्यूज करते बॉन्ड फॉर्मेशन करते हमें रेसीड्यूज कहते तो केतरा पाखापाखि तार मास रोच तो मैंने जानते हैं नॉर्मल है 128 हूँ गोटे एमिनो एसिड एवरेज मॉलिक्युलर वेट तो बॉन्ड फॉर्मेशन करुच्छे रेसीड्यूज मानकर रेसीड्यूज मानकर वेट हो जाए 110 110 रे 400 जो तुम मल्टीप्लाई कर 1144 रोचे तब सब तीन टा शून तो ये पाखापाखि ये रोच जेनराली तार लिनियर कथा कही जेहतु लिनियर कथा मेनसन हो ना तो एनसर ये यहाँ 44 केमती काउंट होगा बुझे जो रेसीड्यू रही थी 110 मल्टीप्लाई करदेव जो रेसीड्यू कथा कही सी नर्माल एमती एवरेज मलिकुलर वेट जो कथ कहे यहाँ हो 128 तो बॉन्ड फॉर्मेशन कला मैंने तो ऑटोमेटिकली वाटरटा 18 जो मलिकुलर वेट वाटर वाटरटा रिलीज हो जाए कि नहीं जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर देखे जो COOH ये OH रिलीज होता आठ NH2 रो H रिलीज होना वाटर का रिलीज होता तो सीटा 18 मलिकुलर वेट वाटरटा रिलीज हो जाए से पचारे यार क्वेश्चन देखते हुई द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज लाइकली टू फाउंड इन द इनसाइड ऑफ ए वीक सॉल्युबल प्रोटीन सॉरी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन माने वाटर धर अच्छे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन माने तो प्रोटीनटा जो अच्छी वाटर सॉल्युबल माने कौन वाटर सहित मिक्स हो पार्टी मिक्स कौन पर हो पार्टी तुम जान एमिनो एसिड पोलार एमिनो एसिड अच्छी नॉन पोलार एमिनो एसिड पोलार माने कौन सी वाटर सहित मिस पार तो पोलार बॉन्ड फॉर्मेशन कर मैंने बाहर साइड गुड़ा सब पोलार थी भितर साइड गुड़ा सब नॉन पोलार थी है जोड़े कि लुचिकिना रही है हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड थे तो नॉन पोलार एमिनो एसिड तो पोलार एमिनो एसिड कौड़ा पोलार एमिनो एसिड कहे जन चार्ज थी HRK DE एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड ये सब तो आउ अच्छी STC NYK ये सब होगा नॉन पोलार सॉरी पोलार जे कि अनचार्ज ये सब अच्छे तो ये छाड़िकिना आज जहाँ रहीगला हाइड्रोफोबिक तो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड हो आइसोल्यूशन गुटा हाइड्रोफोबिक तो आंसर है डी ये मुझे छोट प्रोग्राम मुझे तुमको शिखेबी कल आम ये भिडियो आने एमिनो एसिड उपरे तो इफ द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वन एमिनो एसिड इज 128 तो एवरेज मॉलिक्यूलर जब 128 रोचे तो ओलिगो ट्रेडर 10 एमिनो एसिड बेलू के रोचे तो लिनियर ओलिगो पेप्टाइड लिनियर अप्रोक्सीमेटली क्या पचे लिनियर मैंने जितने सी रेसीड्यू फॉर्मेशन कर 110 हम तो 110 इंटू 10 करदे मैंने के पाखापाखि ये आसा लिनियर जेहतु लिनियर जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कला प्रति पेप्टाइड बॉन्ड रे वाटर रिलीज हो रिलीज हो लास्ट जो रिलीज हे सी 18 यहाँ यहाँ भितर बॉन्ड फॉर्मेशन हो लास्ट रही जाए तो यहाँ यहाँ मानक वाटरटा रिलीज हो तो लास्ट 18 गुणी देखना 18 एड करदेव यार फर्मूलाटा भी अच्छे जब धर ये मुझे शिखे दिए तुमको ये क्वेश्चन कमी काउंट करर एम सर्कुलर वाला एमिनो एसिड वाला अच्छे तो कौन कर 10 एमिनो एसिड 10 रे 110 करदेव जहाँ आंसर होगा सहीटा मैंने 1100 है मान धर एन नंबर ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड दे इंटू 110 है कि सी एवरेज मॉलिक्युलर वेटा हो 128 कि वाटर आकर रिलीज हो जाए दुटा एमिनो एसिड भितर जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर वाटर गोटे रिलीज हो जाए गोटे पेप्टाइड बॉन्ड मैंने गोटे वाटर मॉलिक्युल रिलीज हो गोटे वाटर मॉलिक्युल रिलीज है मैंने 18 डाल्टन है रिलीज हो तो से कैलकुलेशन एमती कर पार्टा कौन सर्कुलर पर सर्कुलर जो फॉर्मेशन कर लिनियर जो फॉर्मेशन कर प्रोटीन जो लिनियर बॉन्ड फॉर्मेशन कर तो ये गोटे एमिनो एसिड एमिनो एसिड तो ये धर एमती फॉर्मेशन कर वाटर रिलीज है ये वाटर रिलीज है तो तीन टाइम एमिनो एसिड देखिए दुईटा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो तो सब जितेटा एमिनो एसिड थी धर एन नंबर ऑफ एसिड एम नंबर ऑफ एमिनो एसिड थी सब माइनस करदेव गोटे कि लास्टा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होनी ना जो सर्कुलर बॉन्ड फॉर्मेशन होता तो ये तीन टा धर एमिनो एसिड को नहीं धर सर्कुलर अच्छी तेज़े तीन टाइप से तीन टा जाक तीन टा बॉन्ड जाक पेप्टाइड फॉर्मेशन हो कि कम हम दुटा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हम तो से सब माइनस वन करदेव धर ये मुझे कह 10 एमिनो एसिड नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन कर 10 एमिनो एसिड है इंटू करदे 110 तो करदे कौन 1100 कितु लास्ट तो एमिनो एसिड बॉन्ड फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होनी तो गोटे पेप्टाइड बॉन्ड कम तो से कौन तुम्हें जेहतु बॉन्ड फॉर्मेशन करनी तो तुम
लास्ट से 18 आवर जोड़ी देव तो 1118 जो एक्जाक्ट पचार थी जेहतु से आप्रोक्सीमेटली पचार थे तो से आम ये ठीक करेंगे सिंपल मन रखा तुम्हें फर्मुला मन रख कि सर्कुलर जो अच्छी सर्कुलर जो पचार तुम्हें जीकटा एमिनो एसिड देतेटा 110 गुण दल बाहर करदल से आउ जदि सी लिनियर पचार से सर्कुलर जी बाहर से करदल जी एमिनो एसिड देखिए गुणी दल से प्लस लास्ट में 18 जोड़ दब से होगा यहाँ एति खाली जिन मन रखा चाहे कुछ नहीं मुंड खेलवा टाइम बस नेक्स्ट आम देख डीएनए मॉलिक्यूल सहित बेस कंपोजिशन व्हिच वन देम रिक्वायर्स हाई मेल्टिंग टेम्परेचर ये जिस तुम जान थे जीसी कंटेंट रहा मैंने भितर जेहतु ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रोचे तो से मेल्टिंग टेम्परेचरटा हाई बेसी टेम्परेचर दरकार हम मेल्टिंग करने जो भी जीसी कंटेंट अधिका थी सीटी मेल्टिंग टेम्परेचर तरह हाई थी तुमने जान हाइड्रोजन बॉन्ड रोटी बेसी एनर्जी दरकार हाँ बेसी टेम्परेचर दरकार हो तो तुम ये खोजार अच्छे तेल हाई मेल्टिंग टेम्परेचर क्या पचार तुम्हें सब जीसी कंटेंट गुटा खोज जीसी कंटेंट जो अधिक थी जीसी परसेंटेज मात्रा गुड़ा जीसी कौटी अधिक ये देखो एटी अधिक है काट एटी एटी अधिक है काट एटी एटी अधिक है काट तो जीसी अधिक अच्छे एटी जीसी अधिक अच्छे तो एनसर है तर हुई द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड टाइप्स आर फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एटीपी रे कोड़ा देखा जाए एटीपी रे कोड़ा देखा जाए एटीपी रे कौन तुम देखो ये जो तुम पेंटो सुगर रोचे पेंटो सुगर रही है ये तुम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रे तुम जो ऑपरेशन करूला तुम ये धर एडेनिन बेस पेयर आम करदे तो ये देखिए फॉस्फेट एड होता है तीन टा फॉस्फेट एड है एटीपी कहला आम ये एटीपी कहला है तो एटीपी रे कौन आ सुगर आ नाइट्रोजन बेस आसपेट सी पचार कौन अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन कनेक्शन तो फॉस्फो एनहाइड्राइड जान तो ये कौन ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कनेक्शन हुए सीओपी तार पुणी आउ गोटे फॉस्फेट तो पीओपी युवा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहुए ये फॉस्फो एस्टर तो फॉस्फो मोनोएस्टर जोटा कि फॉस्फो एस्टर कहे से भी हुए फॉस्फो एनहाइड्राइड देखा जाए और एन ग्लाइकोसाइड ये बॉन्ड देखा जाए तो आंसर था हो बी नेक्स्ट आम देखा तो हुई चल द फलिंग स्टेट स्ट्रक्चर अफ एटीपी इज करेक्ट एटीपी रे कौन कौन था तो ये कंटेन्स फॉस्फोएनहाइड हाँ फॉस्फोएनहाइड फॉस्फेट आउ ऑक्सीजन पुणे फॉस्फेट पुणी जो सीओपी थी सी पीओपी पीओपी बॉन्डा को कहा जाए फॉस्फोएनहाइड बॉन्ड ये कंटेन्स फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हाँ ठीक ये कंटेन्स एडेनोसिन एंड न्यूक्लियोसाइन हाँ एडेनोसिन था एटीपी रे राइबोस सुगर था हाँ राइबोस सुगर था देख राइबोस सुगर खाली आरएनए था मतलब कुछ ना एटीपी कथा कहे डी एटीपी जी क्या कही था आम कनफर्म जाने जाते डीअक्सी रईबस क्या कहूँ तो एटीपी रईबस सुगार भी तो हो पारना से किसी नेसेसरी कही नहीं तुमको जे ओएस थी खाली आम जेनराली डीएनए खाली पढ़ुंत डीअक्सी रईबस डीओक्सी रईबस हो सी रईबस सुगार कहे रईबस सुगार तो किसी नहीं रईबस सुगार भी हो पार तो एनसर हो डी है ना ये बहुत जन मारदे ना रईबस सुगार तो नाने मारदे पी क्यू एस है एमती मारदे किंतु राइबो सुगर भी हो पार तो आंसर होस क्वेश्चन कौन अच्छे हुई चाहिए फलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट आरएनए आरएनए कौटा ट्रू तो आरएनए डुप्लेक्स आर मोर स्टेबल आरएनए डुप्लेक्स मोर स्टेबल हो पारे कि सी ए टाइप डीएनए फॉर्मेशन करे इंटरेक्शन भितर बेसी हुए ये सब अच्छे टू पाइम ओएज प्रिवेंट्स आरएनए आर टू बी कन्फर्मेशन ठीक है सम वायरस कंटेंट एन आरएनए जेनेटिक मटेरियल हाँ ठीक आरएनए कैन परफॉर्म द टेस्ट बोथ जेनेटिक मटेरियल एन एंजाइम हाँ जो आर एल कैटालिटिक एंजाइम होती है जेनेटिक मेटलाइजर तो आंसर है डी पी क्यू आर एस क्वेश्चन कौन पचार कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स इन पिरीमिड रिंग डिराइव फ्रॉम तो कौन डिराइव होता है कार्बन पिरीमिड रिंग तो तुम जान बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर एमती जो रोच है तो ये 1 2 3 4 5 6 दुई नंबर तो जान ऑक्सीजन था जहाँ भी अलग जो ये एन एस टू ग्रुप लगुच्छे साइटोसीन होगा जब ये ऑक्सीजन आउ लगुच्छे यूरोसिन होगा जब ये ऑक्सीजन सहित ये मिथाइल ग्रुप गुट लगुच्छे तो यहाँ थायमिन होगा है तो जेनेली अच्छे तो तुम्हें ये जो यहाँ तुम्हें जेनेली न्यूक्लिक एसिड जो अच्छे न्यूक्लिक एसिड बा पिरीन सिंथेसिस आउ पिरीमिडिन सिंथेसिस तुमने यहाँ मेटाबॉलिज्म पढ़ु थो है तो ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ु तो ये जिनसा ये एमती भाग करदे एम मन रखापे कहूँ कौन पाई देख तो ये एमती भाग करदे एम बेंजीन टा अच्छे बेंजीन टा करना एमती भाग करदेव यहाँ सब गुड़ा कौन तैयारी है आसपाटेट आसपाटिक एसिड को नहीं ताइटा के 1 4 5 6 1 4 5 6 नंबर कार्बन जो अच्छे कार्बन जितकी अच्छे से सब कौन आसपाटेट को आसपाटिक एसिड को नहीं ताइए ये पिरीमिडिन टा
ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା, ଦୁଇ ନମ୍ବର କାର୍ବନଟା, ଏଠି ଦୁଇ ନମ୍ବର କାର୍ବନ, ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଲାଗିଛି ତ ସିଓ ଟୁ, ତ ଏଇ କାର୍ବୋକ୍ସିଲ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଗ୍ଲୁଟାମାଇନ୍ରେ, ହେଲା ଏଇଟା ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ। ତ ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଯେ କାର୍ବନ ଏଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ସ ଇନ୍ ଏ ପିରିମିଡ୍ ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡିଏ, କାର୍ବନ କହିଲେ ଏଇ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କଥା ହେଇଛି, କେଉଁଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ତ ଯେତିକି ସବୁ ଆସିଥାଏ କେଉଁଠୁ କେଉଁଟା ହେଇଥାଏ, ଏଠି ଆସ୍ପାର୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିଥାଏ କାର୍ବନର ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଠି ଗ୍ଲୁଟାମାଇନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ତ କାର୍ବନ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ଆସ୍ପାର୍ଟେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ନା କାର୍ବୋନିଲ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁଟାମାଇନ୍ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସେଟାକୁ କାର୍ବୋନିଲ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡି, ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଦ ମଲିକୁଲା ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଫର୍ମୁଲା C6H12O6, ଦ ମଲିକୁଲା ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ପଲିମର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଲିଙ୍କିଂ ଦ 10 ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମଲିକୁଲ, 10 ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମଲିକୁଲ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସି 10 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦିଅ, 10 ଇଣ୍ଟୁ C60, ତାପରେ 10 କରିଦେଲେ 120 ଓ 60, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର୍ସ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍, ମ୍ୟୁଟେସନ୍ରେ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥାଏ, ବିଟା ଆଲଫା ଡି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ବିଟା ଡି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥାଏ ସେଟା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଲିମର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ହଁ ଠିକ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନୋ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଣ୍ଡ୍ ଏ ନନ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଣ୍ଡ୍, ୱାନ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଣ୍ଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସେଭେରାଲ, ୱାନ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଣ୍ଡ୍ ଥାଏ ଆଉ ସେଭେରାଲ ନନ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଣ୍ଡ୍ ଥାଏ, ତ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ସି, ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏତିକି, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ, ଇକୋଲୋଜିରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କଲେ, ଆଉ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକିନା ଆସିବା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ଆଉ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକିନା ଆସିବା, ଆଉ ରିଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକିନା ଆସିବି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଇକୋଲୋଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଇକୋଲୋଜିର ଯାହା ବି ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି, ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି, ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।